हेलो फ्रेंड्स, रिताज क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा बॉर्डर वर्क का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, इसको आप इवन नंबर में फंदे डालें, किसी भी तरीके से आप इसमें फंदे डालिएगा, ये उसी तरीके से सेट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये इसकी राइट साइड है और ये हमारे डिज़ाइन की रॉन्ग साइड है। ये डिज़ाइन हमारा उल्टी साइड से स्टार्ट होगा। ये मैंने 25 फंदे टोटल डाले हुए हैं इसमें, और ये डिज़ाइन हमारा उल्टी सिलाई से स्टार्ट होगा। फर्स्ट रो जो है हमारी उल्टी साइड से स्टार्ट होगी। तो ये देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट रो उल्टी साइड क्या करना है, एक फंदा मैं ऐसे ही लूँगी, उसके बाद फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधे सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। ऐसे ही हमने अपनी पूरी रो ये कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। देखिएगा, उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में धागा आगे करके ये एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। अब आते हैं सेकंड रो सीधी साइड। ये हमारा टोटल दो ही सिलाइयों का डिज़ाइन है, फर्स्ट और सेकंड रो दो ही रो इस रो का डिज़ाइन है ये हमारा। ये पहला फंदा हमने ऐसे लिया, ये देखिए, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। सेकंड रो है ये हमारी सीधी साइड। सीधी साइड से एक फंदा ऐसे ही लिया, उसके बाद एक उल्टा लिया, धागा पीछे करेंगे, और ये वाला फंदा ऐसे ना लेकर के हम यहाँ से इस फंदे के, ये देखिए, यहाँ से इस तरह से सिलाई लेंगे फंदे के बीच में से, नीचे से इस तरह से थोड़ा लूज़ करेंगे इसको, और वापस हम इसको सिलाई पर लेकर जाएंगे। अब इन दोनों फंदों को पीछे की साइड से इस तरह से बिन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर बीच में से ऐसे फंदा लेंगे। ये देखिए, इसके बीच में से लिया, फंदे के नीचे से बीच में से लेंगे एक ऐसे फंदा, सिलाई पर लेंगे वापस, और दोनों फंदों को इस तरह से हम बना देंगे पीछे की साइड से। फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर ये देखिए, फंदा यहाँ से ना लेकर के फंदे के बीच में से हमें इस तरह से, ये देखिएगा, यहाँ से फंदा इस तरह से लेना है। ये देखिएगा, ये दिख रहा है, यहाँ से आपको फंदा लेना है और वापस इसको सिलाई पर लेकर के इस तरह से पीछे से बना देना है। फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर ये वाला फंदा ऐसे लेंगे और पीछे की साइड से इस तरह से बना देंगे। फिर आगे उल्टा फंदा, फिर पीछे बीच में से ऐसे फंदा लिया, ऐसे इसको पीछे से ऐसे बना दिया, फिर आगे एक उल्टा, धागा पीछे, फिर बीच में से लिया फंदे के और इसको सिलाई पर लेकर के पीछे से बना दिया, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से फंदे के नीचे से बीच में से लेना है और वापस इसको सिलाई पर लेकर के इस तरह हमने बना देना है। फिर धागा आगे,
उल्टा पीछे फंदे के बीच में से लिया और ऐसे बना करके ऐसे सीधा बना लिया पीछे से, एक उल्टा सीधे फंदे में हमें ऐसे करना है हर बार इस तरह से, फिर आगे एक उल्टा, फिर पीछे फंदा बीच में से नीचे से लेना है और इस तरह से इसको पीछे की साइड से सीधा बना देना है। ये सीधा फंदा हमने हर बार ऐसे ही बनाना है, सारे सीधे फंदे हमारे ऐसे ही बनाएंगे हर बार, हर सीधी सिलाई में। एक उल्टा और एक ये लास्ट में उल्टा, देखिएगा। फिर से यहाँ उल्टी सिलाई में हमने वैसे ही करना है, एक फंदा उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। ये देखिएगा, ये एक फंदा ऐसे ही लिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, फिर एक उल्टा, धागा पीछे, सीधा उल्टा सीधा। इसी तरीके से आप अपने पैटर्न पर इस डिज़ाइन को बनाते जाइएगा और ये बहुत सुंदर सा बॉर्डर बनकर आपके पैटर्न पर तैयार हो जाएगा। सारे फंदे हमने उल्टे सीधे कर कर पूरी रो अपनी ये कंप्लीट कर देनी है। ये लास्ट का फंदा, ये देखिएगा, ये उल्टी साइड से है और ये हमारा सीधी साइड से इस तरह से आएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।